किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं बेरूलाल जी जाट। बेरूलाल जी जाट पिछले एक साल से डेयरी फार्म कर रहे हैं और ये तीन पशु रख रखे हैं और तीन पशु से 20-25 हज़ार रुपये महीने का कमा रहते हैं। इनका शेड है जो हमारे पीछे की साइड ही है और बीच में एक दीवारी है। तो बेरूलाल जी जाट और हम अच्छे मित्र हैं और ये भी बोतल पैकिंग करके ही अपना दूध सेल कर रहे हैं। तो बेरूलाल जी जाट के तीन पशु हैं जिसमें से दो दूध दे रहे हैं और एक ड्राई है। इन्होंने एक बच्ची भी तैयार कर रखी जिसका वीडियो अभी मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छी है और अच्छी ब्रीड वाली है। तो किसान भाइयों, आप भी अपने डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं और बेरूलाल जी जाट की तरह अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इनका शेड है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जो 16 से 17 फीट की हाइट पर बना हुआ है। बेरूलाल जी जाट सुबह कितने बजे मिल्किंग करते हैं ये हम किस आप इनसे जानेंगे। तो बेरूलाल जी जाट हमें बताइए कि आप कितने बजे मिल्किंग स्टार्ट करते हैं सुबह में? सुबह करते हैं 5 बजे और शाम को भी 5 बजे, दोनों टाइम 12-12 घंटे का टाइम रखते हैं। और ये हाइट है 17 से 18 फीट और ये पीछे है ये हरा चारा। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम अच्छे मित्र, थोड़ी हंसी आ रही है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो बेरूलाल जी जाट के पीछे की तरफ हरा चारा है जिसे लूबी नहीं आती और बहुत ठंडा रहता है ये एरिया। और इस शेड की हाइट 17 फीट है तो काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है मुझे। हमारे शेड में ऐसा नहीं है। इनका शेड देखिए, नीम का पेड़ लगा हुआ है और फुल हाइट पर है। तीन पंखे लगा रखे हैं इन्होंने, फुल हाइट पर है तो पंखों की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर बहुत ठंडक रहती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो पशु भी अच्छे से रह रहे हैं। ये पीछे जो HF गाय है वो 14 लीटर पर टाइम का दूध देती है, दोनों टाइम का 28 लीटर दूध देती है। बेरूलाल जी जाट 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ इन गायों से कमा रहे हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इस तरह डेयरी फार्म करके आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो किसान भाई, बेरूलाल जी जाट हमारे किसान भाई भी डेयरी फार्म करें तो कितने पशु से करना चाहिए? दो गाय से शुरू करें। फर्स्ट में दो गाय लाई, फिर और दो गाय और बढ़ाई, दो एक, धीरे धीरे हर 2 महीने में दो गाय लाई तो अलग अलग टाइम पर हीट पर आएगी, अलग अलग टाइम पर बच्चे देगी, यही फायदा रहेगा। और ये भैया को देख देख कर मैंने भी सीखा है। मेरी इच्छा भी नहीं थी गाय के पास आने की, भैया ने ही सिखाया मेरे को और मिल्किंग ने भी इन्होंने सिखाया। किसान भाइयों, हमारा माउथ ख़राब हो गया तो अब मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर दे रहे हैं एक जगह बैठकर, तो काफ़ी चीज़ें अनमिस हो रही है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि वो कारण रहा है कि जो आप देख रहे हैं जो तार की केबल आ रही है वो बेरू के जीप पर लगी हुई, पर वो क्या है कि ख़राब हो गई, वो चल नहीं रही है। तो अपने जो बेरूलाल जी जाट हैं जो काफ़ी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं डेयरी फार्म से, और ये जो पीछे खड़ी गाय है ये इनकी घर की बच्ची है और ये काफ़ी अच्छा दूध देती है यहाँ पर। और ये थर्ड लैक्टेशन में अभी 14 लीटर पर टाइम का दे रही है, दोनों टाइम का 28 लीटर दे रही है। बेरूलाल जी जाट हमें बताइएंगे कि आप सुबह और शाम इनको क्या खिलाते हैं ताकि ये ये 15 महीने की बच्ची है, ये साहिवाल की बच्ची है और इसके गिर का सीमन लगाए तो गिर और साहिवाल में दोनों में क्रॉस है। और इसने 6 महीने तक दूध पिया था, एक टाइम का 1 लीटर, दोनों टाइम का 2 लीटर 24 घंटे में। और ये अभी लोग बोलते हैं देसी गाय का बच्चा 2.5 साल से 3 साल से क्रॉस होता, और ये 15 महीने में 3 बार हीट पर आ चुकी है और अभी इसके 15 से 20 दिन के बाद में सीमन लगने वाला है। और केवल इसको बाटा और दूध ही पिलाया था 6 से 8 महीने तक, और अभी बाटा भी नहीं खिला रहा तो भी बार बार हीट पे आ रही और दूध भी नहीं पी रही अभी। ये
ये देसी गाय है और ये बिको के लिए है और 5 महीने की ये गाभिन है और सूखे के कारण इसको मैं भी बेचना चाहता हूँ। बहुत परेशानी है, 15 रुपये से 13 रुपये किलो सूखा खागला आ रहा है। हमारे इधर इसको खागला बोलते हैं, सूखे चारों को खागला बोलते, इसलिए मैं इसको बेचना चाहता हूँ। दोनों दोनों टाइम का ये 20 लीटर दूध कढ़ाया था पहले और अभी अच्छा दूध, अब इस बार 12 लीटर का आसपास दूध कढ़ाने की क्षमता है इसकी, और इस कारण से मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अच्छी गाय है, हाइट और हाइट भी बहुत लंबी है, तीनों गाय से इसकी सबसे ज़्यादा हाइट और ऊंचाई है अभी, और इसी 6 का फैट का इसका दूध आता है देसी गाय के का। किसान भाई, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।